हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंस यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 3 जून 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं, आप पहले इस पे आ जाइए। इंडिया सेंड सीनियर डिप्लोमेट टू काबुल फॉर टॉक विद तालिबान। तो तालिबान ने क्या किया है, अर्ज किया है इंडिया से कि रीओपन करे अपनी एम्बेसी को, ठीक है। तो इंडिया ने सेंड किया है अपनी मल्टी मेंबर टीम ऑफ सीनियर डिप्लोमेट, कहाँ पर भेजा है, अफगानिस्तान में भेजा है, ठीक है। और इस टीम को लीड कर रहे हैं जेपी सिंह, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी है पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान डिवीज़न के, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है। दूसरा, इंडिया इज़राइल टू इन्हांस डिफेंस टाइज। तो इंडिया इज़राइल डिफेंस टाइज को अपने इन्हांस कर रही है। इसका क्या बताया गया है कि इंडिया और इज़राइल ने थर्सडे को एक साइन किया है विज़न स्टेटमेंट। विज़न स्टेटमेंट किस चीज़ के लिए है, डीप करने के लिए, डिपेंड करने के लिए लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस कॉरपोरेशन को, ठीक है। टू मिनिस्टर ने क्या किया है, प्रेजेंट कर किया है अपना जॉइंट डिक्लरेशन मेकिंग 30 ईयर्स ऑफ इज़राइल इंडिया रिलेशन, ठीक है। और इसमें क्या बताया जा रहा है कि टाइज को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और बिल्ड किया जाए वाइल बिल्डिंग शेयर्ड वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ग्लोबल स्टेबिलिटी, जो कि ग्लोबल स्टेबिलिटी को बढ़ाए। ये हो गया, आगे देखते हैं। हाँ, तो इसके बाद हमें ये पढ़ना है ग्रिम टर्न, ठीक है। ग्रिम टर्न पे क्या पढ़ना है, रिमूवल ऑफ इस जो स्पेशल स्टेटस हुआ है, ठीक है, उसकी बात की जा रही है कि जो स्पेशल स्टेटस के रिमूवल की, तो उसमें ये देख लीजिए कि 22 डेज के कश्मीर में क्या क्या हुआ। एक कश्मीरी पंडित जो एम्प्लॉय थी उसकी उसकी किलिंग हो गई, और एक स्कूल टीचर जम्मू की है जो कश्मीरी पंडित से बिलोंग करती थी उनकी, और एक बैंक मैनेजर की जो कि राजस्थान के हैं वहाँ की। तो यहाँ ये देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा किलिंग्स वगैरह हो रही हैं, उससे रिलेटेड है ये। वैली फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ प्रोटेस्टिंग सिंस May 2022 व्हेन राहुल भाट अ पंडित एम्प्लॉय। एक पंडित एम्प्लॉय जो है, जब उसकी डेथ हुई तब से वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको उसके ऑफिस में मार दिया गया, ये दिखा रहा है। तो मतलब फिर से एक ऑनर किलिंग और बहुत तरह की किलिंग देखने को वहाँ पे मिल रही है, और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। और तो ये इस चीज़ से रिलेटेड है ये वाला, आगे देखते हैं, ठीक है। ये मैंने हमने देख लिया। दूसरा ये है इंडिया पाकिस्तान टाइज एंड मिरर ऑफ 2019, ठीक है। तो इसमें क्या देखना है, इसमें ये है कि देयर आर साउंड रीजन वाई न्यू दिल्ली मस्ट शिफ्ट कोर्स फ्रॉम बेलिजरेंस इट्स वंस प्रॉफिटेड फ्रॉम। अब इसमें देखना ये है कि ये LOC कश्मीर से रिलेटेड इसमें बातें की गई हैं, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को लेके इसमें बातें की गई हैं, ठीक है। और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर जो हैं अपने, उन्होंने क्या बोला है उस चीज़ को लेके यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, आगे क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है अ क्रिटिकल जंक्चर, ये भी पढ़ना है। इसमें क्या है, डिस्टिलाइजेशन इन्फ्लेशन इम्पैक्ट ऑन GST रेवेन्यू इज वाइटल बिफोर रिफॉर्म आर पुट ऑन होल्ड, ये भी पढ़ना है। इसमें GST से रिलेटेड है, GST कंपनसेशन से रिलेटेड है, जो ड्यूज है ऑलमोस्ट 87,000 करोड़, ठीक है। तो ये देखिए, ऑन ट्यूजडे क्या हुआ, सेंटर ने ये कहा, रिलीज़ किया है स्टेट को कि आउटस्टैंडिंग GST कंपनसेशन ड्यूज जो हैं ऑलमोस्ट 87,000 करोड़, वो क्या करना है, मूव मार्क अ 15 स्टैंड एडजस्ट मंथ अर्लियर, ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बोला गया है, ठीक है। तो ये वाला भी हमें पढ़ना है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे आ जाइए, इस पे ये पढ़ना, चाइना ग्रोइंग फूड प्रिंट इन पेसिफिक आइलैंड। तो चाइना का ग्रोइंग फूड प्रिंट को लेके बात किया जा रहा है, जो कि
पेसिफिक आइलैंड पे है, तो इसमें क्या क्वेश्चन करा जा रहा है कि वाई इज चाइना इंटरेस्टेड इन द पेसिफिक आइलैंड कंट्री, कि चाइना क्यों इंटरेस्टेड है पेसिफिक आइलैंड कंट्रीज में। अब इसमें हमें क्या ध्यान देना है, साइड में इम्पॉर्टेंट रहता है इसमें यह है, ड्यूरिंग अ मीटिंग विथ 14 पेसिफिक आइलैंड, तो जब मीटिंग हुई, मीटिंग के दौरान जहाँ पे 14 पेसिफिक आइलैंड कंट्रीज थी, चाइना ने एफर्ट किया टू पुश थ्रू अ कम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क टू डील द ड्राफ्ट ऑफ विच वॉज लीक्ड अर्लियर, फेल टू गेन, क्या रहा वो फेल रहा गेन करने में कंसेंसस अमंग द PICs, ठीक है। इसमें क्या है, पेसिफिक आइलैंड कंट्रीज जो हैं उसी का इसी का फुल फॉर्म है PIC का, पेसिफिक आइलैंड कंट्रीज आर अ क्लस्टर ऑफ 14 स्टेट, ये 14 स्टेट का क्लस्टर है पेसिफिक आइलैंड, विच आर लोकेटेड लार्जली इन द ट्रॉपिकल जोन, जो कि लार्जली कहाँ पे लोकेट करती हैं, ट्रॉपिकल जोन पे, ट्रॉपिकल जोन ऑफ पेसिफिक ओशियन, दीज कंट्री आर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेजर पावर राइवलरी, तो ये क्या करती हैं, प्ले करती हैं इम्पॉर्टेंट रोल मेजर पावर राइवलरीज एज स्प्रिंग बोर्ड ऑफ पावर प्रोजेक्शन और लेबोरेटरीज को लेके, किसके लिए, फॉर डेवलपिंग एंड डेमोस्ट्रेटिंग स्ट्रैटेजी और को लेके और कैपेबिलिटीज को लेके। PICs जो हैं वो लाई करती हैं नेचुरल लाइंस ऑफ कंपनसेशन ऑफ चाइना मैरीटाइम इंटरेस्ट, ठीक है, एट अ टाइम वेन क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जब हुआ, तो क्या हुआ, क्या देखा गया, हैज़ इमर्ज एज अ मेजर फोर्स, जब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ तो ये इमर्ज हुआ एज अ मेजर फोर्स इंडो पैसिफिक पे, तो इमर्ज हुआ एज अ मेजर फोर्स कहाँ पे, इंडो पैसिफिक विस अ विस चाइना, टू इन्फ्लुएंस दिस PICs बिकम इवन मोर प्रेसिंग फॉर चाइना, इसलिए क्या हुआ कि जो PICs है वो और ज़्यादा प्रेसिंग हो गई चाइना के लिए, तो ये हमने देखा। तो यही है इस चीज़ से रिलेटेड, ये है कि करंटली क्या है, वांगी जो है फॉरेन मिनिस्टर है चाइना के, ये आप सबको पता ही है ऑलरेडी, तो जो वांगी हैं जो फॉरेन मिनिस्टर है चाइना के, करंटली ऑन एन 8-day विजिट टू 10 पेसिफिक आइलैंड कंट्रीज़, वो 8-day विजिट पे हैं पेसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ पे, ठीक है, एंड हैज़ को होस्टेड विथ फिजी द सेकेंड चाइना पेसिफिक आइलैंड कंट्रीज, और को होस्ट कर रहे हैं फिजी के साथ जो कि सेकेंड चाइना पेसिफिक आइलैंड कंट्रीज है, ठीक है। फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग ऑन May 30, इनकी मीटिंग कब हुई, May 30 को 2022 को, ड्यूरिंग द मीटिंग चाइना एफर्ट टू पुश थ्रू अ कंप्रहेंसिव फ्रेमवर्क डील, तो इस समय वो क्या पुश कर रहे हैं, चाइना की तरफ से क्या पुश किया जा रहा है, एक कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क डील पुश किया जा रहा है, डील द ड्राफ्ट ऑफ विच वॉज लीक्ड अर्लियर, इसका जो ड्राफ्ट था वो लीक हो गया था अर्लियर, फेल टू गेन कंसेंसस अमंग द PIC, इसके बाद क्या हुआ, फेल हो गया ये गेन करने में कंसेंसस, किसमें, अमंग जो PIC हैं पेसिफिक आइलैंड कंट्रीज के बीच में। तो ये हो गया, दो दिस हैज़ रेज रीजनल कंसर्न अबाउट चाइना ग्रोइंग फुटप्रिंट इन पेसिफिक आइलैंड, पर इसमें क्या हुआ कि ये क्या किया, रेज कर दिया, यानी कि इसने बढ़ा दिया रीजनल कंसर्न को चाइना के ग्रोइंग फुटप्रिंट जो है पेसिफिक आइलैंड में, और क्या हुआ, इट हैज़ ऑल्सो बीन सीन एज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ चाइना, इसको किस तरीके से देखा जा रहा है ये भी इम्पॉर्टेंट है, हमें जानना चाहिए, इसको ऐसा देखा जा रहा है कि ये क्या है, इसको सीन किया जा रहा है एज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ चाइना लिमिटेशन इन रीजन, तो ये हमने देख लिया। तो ये जो पूरा आर्टिकल है इसमें यही सब जो मेन पॉइंट था मैंने आपको बताया, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसरिंग है, जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ द PICs, कि क्या है स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस जो पेसिफिक आइलैंड कंट्रीज है उनका। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज चाइना सीक टू अचीव फ्रॉम PICs एंड हाउ, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे देखते हैं, इस वाले में ये देखना है, बिहार गवर्नमेंट कास्ट काउंट, द बिहार गवर्नमेंट्स कास्ट काउंट, इसमें क्या बताया जा रहा है, व्हाई हैज़ द स्टेट BJP बैक्ड एक्सरसाइज व्हाई द सेंटर इज अपोज्ड टू अ कास्ट सेंसस, अब इसमें हमें देखना है बात किस बारे में की जा रही है। पहले हम ये देखेंगे साइड में क्या बताया गया है, ठीक है, साइड में ये बताया जा रहा है कि
थर्सडे को क्या हुआ, बिहार कैबिनेट अलॉन्ग विद द स्टेट बीजेपी अप्रूव्ड द प्रपोजल टू कैरी आउट अ कास्ट बेस्ड काउंट इन द स्टेट। तो अभी क्या हुआ बिहार में, थर्सडे के दिन क्या हुआ बिहार में, बिहार कैबिनेट ने स्टेट बीजेपी के साथ मिलके अप्रूव किया है प्रपोजल कास्ट बेस्ड काउंट के लिए, ठीक है। सॉरी, इसमें क्या है कि ऑल पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट प्रपोजल एज इट विल हेल्प द गवर्नमेंट। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सपोर्ट कर रही हैं प्रपोजल को, क्योंकि ये हेल्प करेगा गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जैक्ट पॉपुलेशन ऑफ वेरियस कास्ट, ठीक है, कास्ट ग्रुप। तो ये एग्जैक्ट पता करने में सहायता करेगा, मदद करेगा कि एग्जैक्टली कितनी पॉपुलेशन किस कास्ट से बिलोंग करती हैं, एंड एक्सेस द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको पता है सोशो इकोनॉमिक ग्रुप भी देखा जाता है इसमें, तो उसी से रिलेटेड है कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा जाएगा ईच ग्रुप में, मतलब ईच कास्ट में कितनी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है, कैटेगोरिकली रूल्ड आउट कंडक्टिंग अ कास्ट सेंसस दैट इट वुड बी एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफ़िकल्ट एंड कम्बरसम। तो ये क्या है, एक डिफ़िकल्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफ़िकल्ट है और कम्बरसम है। इन द केस ऑफ बिहार द बीजेपी सेंट्रल लीडर फील दैट द डिमांड फॉर कास्ट सेंसस इन द स्टेट इज अटैम्प्ट टू रिवाइव मंडल पॉलिटिक्स। मंडल थ्योरी के बारे में आपने पढ़ाई होगा पॉलिटिकल साइंस में, हमने मंडल केस या मंडल थ्योरी, मंडल ग्रुप जो बना था, मंडल जजमेंट, फिर क्या हुआ, ठीक है, मंडल ग्रुप बना, फिर कमिटी है ये ऑलरेडी, यू कैन से कि एक मंडल कमिटी बनी थी, फिर उसमें जजमेंट हुआ था। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर ये जो है इन द केस ऑफ बिहार बीजेपी सेंट्रल लीडर फील दैट डिमांड जो की जा रही है कास्ट सेंसस के लिए स्टेट में, वो एक अटैम्प्ट है रिवाइव करने के लिए मंडल पॉलिटिक्स को, ठीक है। आगे देखते हैं, अब ये हमने देख लिया कि पूरी स्टोरी किससे रिलेटेड थी, तो इसको भी देख लेते हैं। थर्सडे को क्या हुआ, बिहार कैबिनेट ने अप्रूव किया प्रपोजल कैरी आउट कास्ट बेस्ड काउंट, सेम एज वही लिखा है, स्टॉपिंग शॉर्ट ऑफ कॉलिंग इट अ सेंसस जनता दल यूनाइटेड गवर्नमेंट विच इज अलाई ऑफ भारतीय जनता पार्टी। तो आपको पता है कि जो जनता दल है वो अलाई है भारतीय जनता पार्टी की। Said the state would spend its own resources for the exercise. BJP at the center has been against holding a caste census. तो BJP center में against है holding caste census, but Chief Minister नीतीश कुमार, जो Chief Minister है बिहार के नीतीश कुमार, and JD has been pushing for it. वो लेकिन push कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। All political parties of Bihar, including state BJP, has proposed conducting a caste census. पर जो state BJP है, मतलब जो वहाँ पर rule कर रही है BJP, वो चाहती है, ठीक है, has proposed, उसने propose किया है conduct करने के लिए caste count को। तो ये story पूरी इसी के इर्द गिर्द इसमें घूम रही है कि बिहार गवर्नमेंट caste count हो रहा है, देखा जाएगा। सेम ये पॉइंट ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है कि ये देखा जाएगा, ये कि ऑल पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट इस चीज़ के लिए कर रही है कि गवर्नमेंट अंडरस्टैंड कर सके, गवर्नमेंट जान सके एग्जैक्ट पॉपुलेशन ऑफ वेरियस कास्ट कितना कितना है, और एक्सेस कर सके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ईच ग्रुप, ठीक है। ये हो गया, आगे देखते हैं। उसके बाद इस पे आ जाना है, पेज नंबर 13 पे, पंडित भजन सपोरी पासिस अवे। पंडित भजन सपोरी जो थे उनकी डेथ हो गई है, देहांत हो गया है उनका रिसेंटली। तो क्या है, ही इनविजन्ड हिज म्यूजिक एट कल्चरल ब्रिज बिटवीन वैली एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया। तो इन्होंने क्या किया कि इनविजन किया म्यूजिक और अपने कल्चर को ब्रिज की तरह बिटवीन वैली, ठीक है, and rest of the India. Even as the music award was struggling to come to term with the passing of Pandit Shiv Kumar Sharma, the news of the demise of author
संतूर लीजन पंडित भजन सपोरी ऑन थर्सडे केम एज अ रूड शॉक, मतलब एक शॉक की तरह लिया गया कि उनकी डेथ हुई, क्योंकि एक बहुत बड़ी हस्ती थे ये भजन के क्षेत्र में। पंडित सपोरी डाइड ऑफ कैंसर, इनको कैंसर हुआ था, ठीक है, इनको कैंसर हुआ था। और इनकी डेथ कहाँ हुई, इनकी डेथ हो गई है, एक मिनट, तो इनकी डेथ हुई है गुरुग्राम हॉस्पिटल में। ही सर्वाइव बाय हिज वाइफ एंड सन, उनकी वाइफ और सन है। हिज लिगेसी विल बी कैरीड फॉरवर्ड बाय हिज यंगर सन अभय, तो उनके यंगर सन जो है अभय, वो उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हेलिंग फ्रॉम द म्यूजिशियन फैमिली नर्चर द सेवटाई सूफी एंड हिंदुस्तानी कल्चर ट्रेडिशन इन कश्मीर फॉर जनरेशन, तो ये किस किस क्षेत्र में म्यूज़िक दे रहे थे, ये दे रहे थे सेवाइट सूफी और हिंदुस्तानी कल्चरल ट्रेडिशन में, और कहाँ पे जनरेशन से ये दे रहे थे कश्मीर में फॉर जनरेशन, ठीक है। पंडित सपोरी लेड द रिवाइवल ऑफ सूफी एंड फोक म्यूजिक इन द स्टेट ऑफ स्प्रेड द मैजिक ऑफ ह्यूमनिज्म, इन्होंने मैसेज दिया किस चीज़ के लिए, ह्यूमनिज्म के लिए। ही रिमेन्ड पॉजिटिव इवन वेन द इंसर्जेंसी इनगल्फ हिज होम डिस्ट्रिक्ट ऑफ सपोरे एंड केप्ट ऑर्गेनाइजेशन इवेंट एज द ग्रास रूट, वाइल द वर्ल्ड कॉल्ड हिम द सेंट ऑफ संतूर। पंडित सपोरी पद्मश्री विनर, ये पद्मश्री विनर रह चुके हैं, ठीक है। ऑफन डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ कल्चरल ब्रिज बिटवीन कश्मीर एंड रेस्ट ऑफ द इंडियन, कॉल्ड संतूर अ लिविंग सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, इनको क्या कहा जाता था, संतूर लिविंग सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि एक लीजेंड थे, ठीक है। और ये देखिए, यूजिंग म्यूजिक एज अ बाम टू हील द वोंड एंड ब्रिंग द यूथ इन कश्मीर वैली टू द मेन स्ट्रीम, पंडित सपोरी कंपोज्ड अ कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स एज तराने वतन, ठीक है, इन्होंने लिखा है, एक पेट्रोइटिज्म सॉन्ग है, ठीक है, ये सॉन्ग इन्होंने लिखा है, तरानाए वतन इनके द्वारा ये, ठीक है। और संग बाय लार्ज पब्लिक कॉर्ड्स अ कॉमन प्लेयर इन द वैली, तो एक कॉमन प्रेयर की तरह वहाँ पे लिया जाता है वैली में, कश्मीर वैली में। हिज वास्ट रेपर्टॉयर हैज़ कंपोजिशन डराइव फ्रॉम नाथ्स इस्लामिक डिवोशनल, जो नाथ मतलब इस्लामिक डिवोशनल सॉन्ग है और वैदिक चांट। ही ड्रू हिज इंस्पिरेशन फ्रॉम द फाउंटेन ऑफ सेंट लाइक ललेश्वरी एंड गनी कश्मीरी, तो वहाँ से इन्होंने अपना चीज़ें ली हैं, मतलब दीक्षा ली, ये सीखा। इनके फादर जो थे शंभुनाथ सपोरी, वो भी फादर ऑफ म्यूज़िक कहा जाता है जम्मू कश्मीर का। तो जो इनके फादर थे शंभुनाथ सपोरी, उनको कहा जाता था फादर ऑफ म्यूज़िक इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो हमने देख लिया इनके बारे में, पंडित भजन सपोरी के बारे में, आगे देखते हैं। इसके बाद ये पढ़ना, इंडिया इजराइल सीख लिंक ऑन फ्यूचरिस्टिक डिफेंस टेक, तो इंडिया और इजराइल ने क्या किया है कि ये बात करी है, और ब्रॉड कंसेंसस रखा गया है किसके किसके बीच में, कंट्रीज की फोर्टिफाइंग स्ट्रेटजिक टाई बाय राजनाथ सिंह। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने विजिट किया इजरायली काउंटर पार्ट बेनी गैंट्स ऑन द थर्सडे, डिस्कस्ड पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फ्रेमवर्क, मिलिट्री ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के बारे में बात हुई। फोकस किया गया अनमैंड, फोकस कहाँ पे किया गया, अनमैंड एरियल व्हीकल पे, ठीक है, और डिफेंस जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को लेके। तो इसमें यही बात ध्यान में रखनी है कि इंडिया इसराइल ने क्या किया, शेयर किया है लिंक फ्यूचरिस्टिक डिफेंस टेक में। इसके बाद ये पढ़ना है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इन द देवस्थल सीज लाइट,
वन स्ट्रेन्स यूजिंग ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स द टेलीस्कोप कैन हेल्प ट्रैक ट्रांजियंट सच एज सुपरनोवा स्पेस डेब्रीज एंड मेट्रियोट। फोर मेट्रियोट इसमें इस लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इसमें बात की गई है। आगे देखते हैं, इसके बाद ये है मोदी एश्योर श्रीलंका टू इमीडिएट फर्टिलाइजर सप्लाई। तो ऐसा बोला गया है कि इनको इमीडिएट फर्टिलाइजर सप्लाई दिया जाएगा श्रीलंका को। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। स्विफ्ट अराइवल ऑफ कंसाइनमेंट क्रिटिकल टू, तो मतलब यही जान लीजिए, इसमें ये बताया गया कि मोदी जी ने एश्योर किया है कि श्रीलंका को इमीडिएट फर्टिलाइजर दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अश्योर्ड श्रीलंका ऑफ इमीडिएट सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर, द श्रीलंकन प्रेसिडेंट हैज सेड एज द आईलैंड ब्रेसेस फॉर फूड क्राइसिस अमिड क्रसिंग इकोनॉमिक मेल्टडाउन। तो मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, फिर फर्टिलाइजर दिया जाएगा, फिर वो अच्छा कर पाएंगे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। रशिदी ऑन क्वीन ऑनर्स लिस्ट, तो इसमें देखिए ओवर 40 ब्रिटिश इंडियन टू ऑनर टू मार्क द क्वीन प्लैटिनम जुबली। ठीक है, ओवर 40 ब्रिटिश इंडियन हैं जिनको ऑनर्ड किया गया है क्वीन प्लैटिनम जुबली के लिए। जो सलमान रशदी हैं, मुंबई बॉर्न ऑथर हैं, सलमान रशदी जो मुंबई बॉर्न ऑथर हैं, उनकी बुक जो है, सॉरी, सलमान रशदी जो है मुंबई बॉर्न ऑथर ऑफ द बुकर प्राइज विनिंग नोबल ऑफ मिडनाइट चिल्ड्रन लीड्स अ लिस्ट ऑफ ओवर 40 प्रोफेशनल कम्युनिटी चैंपियंस ऑफ द इंडियन ओरिजिन टू बी ऑनर्ड इन द क्वींस बर्थडे ऑनर लिस्ट। तो क्वीन के बर्थडे ऑनर्ड लिस्ट में उनका नाम शामिल किया गया है 40 प्रोफेशनल और कम्युनिटी चैंपियन के साथ साथ, ये भी उसमें शामिल है सलमान रशदी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में देना था कि सलमान रशदी जो है मुंबई बॉर्न ऑथर है, उनको बुकर प्राइज विनिंग, जो उनकी बुकर प्राइज विनिंग नोवेल है मिडनाइट चिल्ड्रन, उन्होंने क्या किया है, लीड अ लिस्ट ऑफ ओवर 40 प्रोफेशनल और कम्युनिटी चैंपियन ऑफ इंडियन टू बी ऑनर्ड एट क्वीन बर्थडे ऑनर लिस्ट। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं, ट्रेड डेफिसिट वाइडन टू अ रिकॉर्ड $23.33 बिलियन लास्ट मंथ। ठीक है, तो इसकी इससे रिलेटेड है ये, और इसमें क्या बता रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ा है 15.5%, इम्पोर्ट सर्ज हुआ है 56.1% टू स्टे अबव $60 बिलियन फॉर द थर्ड मंथ। ठीक है, इंडिया मर्केंडाइज जो जो ट्रेड डेफिसिट है उसके से रिलेटेड ये बात यहाँ पे की गई है। तो आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।